नमस्कार, डायरेक्ट शिफ्ट टाइम में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। इस समय हम टैक्सी ऑपरेटर यूनियन के ऑफिस रेलवे स्टेशन में हैं। कुछ दिन से लगातार एक विवादित मुद्दा सामने आ रहा है, पर सवाल जिस देश में हम रहते हैं, जिस देश के हम नागरिक हैं, अगर जम्मू कश्मीर की बात करें तो आज वहां पर अगर इस तरह के हालात हों तो जनता मीडिया का सहारा लेती है। इस समय जिस ऑफिस में हम खड़े हैं, आप गर्मी की उमस की खुद अंदाजा लगा सकते हैं किस कदर है। और ये जो साथ में ये सर बैठे हैं, ये ओपन हार्ट सर्जरी इनकी हुई है, और ये सर जो साथ में खड़े हैं इनकी भी सर्जरी हुई है, हार्ट पेशेंट है ये लोग। और इस दौरान यहाँ की बिजली पानी बंद कर दिया जाता है। और सबसे पहले वीडियो शुरू करने से पहले जिन पर आज ये इल्ज़ामात लगाए हैं, हम उनसे भी निवेदन करते हैं कि जो इल्ज़ामात इन्होंने लगाए आप उनकी अपनी जस्टिफिकेशन देना चाहते हैं, हमारे चैनल में आपका भी वेलकम है। क्योंकि आजकल लोगों ने ट्रेंड बना लिया, अगर हम किसी की खबर करते हैं तो तुरंत कोर्ट में जाते हैं, तो डिफामेशन का केस फाइल करना आज के दौर में मजाक बन चुका है। तो इसीलिए हम अपनी वीडियो शुरू करने से पहले जिनके लिए ये वीडियो आज करें, जिन पर इल्ज़ाम लगा रहे हैं, उनसे भी कहते हैं अगर आप भी अपनी बात तथ्यों के साथ रखना चाहते हैं तो हमारे चैनल के माध्यम से आप भी अपनी बात रख सकते हैं। चलिए सर से जानते हैं, लगातार पिछले कई दिनों से परेशानी के आलम में है। अब बिजली भी बंद कर दी, पानी भी आपका बंद कर दिया, आज आपने प्रेस वार्ता भी की, कोई आपका समाधान नहीं हो रहा, आखिर चल क्या रहा है यहाँ पर सर? नमस्कार रश्मि जी, देखिए प्रेस कॉन्फ्रेंस हमने इसी मुतल्लक की है कि जैसे अभी आप फरमा रहे थे कि अगर किसी को ग्रीवेंसेस है तो आपसे वो आपके पास आ सकते हैं, तो हमने ये कल अपनी जो हमारी ग्रीवेंस थी कि यहाँ पर रेलवे में एक टेंडर हुआ, उस टेंडर के को लेकर यहाँ के जो लोग, यहाँ के जो कुछ जैसे ये सीएमआई जो है, ये यहाँ के आके इस दंग की हरकत करते हैं कि 11 तारीख को एक आर्डर निकाल देते हैं, वो भी ये उस पोजिशन में नहीं है कि ये आर्डर निकाल सकें। ये आर्डर निकाल सकते हैं जो कस्टोडियन होते हैं, कस्टोडियन के अलावा ये नीचे का अफसर नहीं निकाल सकता है। वो जाता है बिजली डिपार्टमेंट में, वो जाता है पानी डिपार्टमेंट में, वो कट करवाता है हमारी बिजली, हमारा पानी, किस आधार पर? आपने किराया नहीं, हमारा किराया जो है वो अप टू डेट है, ये आप इसकी हम आपको कॉपी दे देंगे, हमारा अप टू डेट किराया है। और अभी हमने 7 तारीख को, ये रेलवे की रिसिप्ट है, 7 तारीख को और ये हमारा ड्राफ्ट है जो हमने डिपॉजिट किया है वहाँ पे, ये ड्राफ्ट है हमारा जी, ये है 54,088 रुपीज़ का जी जी जी, ये हमारा 2 महीने का किराया है, क्योंकि रेलवे के रेट्स काफी हाई रेट है, तो बहुत हमको 21 नौ को जमा करना था, हमने ये 12 तारीख को ही जमा करवा दिया, पहले सभी आई नहीं, हमने पहले ही करवा दिया। और उसके बावजूद भी हमारी बिजली को काट दिया जाता है, किस जुलम में काट दिया जाता है, पानी हमारा काट दिया जाता है, क्यों ऐसा करने का क्या कारण? अब देखिए मैं ये आपको भी, मैं ये आपसे माध्यम से भी मैं जानना चाहता हूँ, अगर कॉन्ट्रैक्ट हुआ है तो ठेकेदार ने पैसा किससे लेना है? हमसे लेना है, हमें निकाल देंगे, हमारे बिजली पानी बंद कर देंगे, हमें निकाल देंगे, ठेकेदार ने पैसा किससे लेना है? ठेकेदार ने टैक्सी से पैसा लेना है, ऑटो से लेना है, मेटाडोर से लेना है, बस से लेना है। जिस ठेकेदार की ये फील्डिंग कर रहा है सरदार जी हमारे पुरुषोत्तम जी, जिस ठेकेदार के साथ इसकी पार्टनरशिप है, अगर इसको अपने पैसे पूरे करने हैं, इसके 50% से ज़्यादा पैसे इसके लगे होंगे, अगर इसको अपने पैसे पूरे करने हैं तो मेरे को यहाँ से निकाल के इसके पैसे थोड़े पूरे होंगे, मैं यहाँ रहूँगा तो पैसे पूरे होंगे। तो हमारा ये कोर्ट में भी केस है 19 को, उसकी उसका जो है रिजल्ट आ रहा है। तो मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि एक तो बात थी इस टेंडर की, कि ये टेंडर क्या है, ये टेंडर है मंथली बेस पे, यहाँ पर मंथली बेस से गाड़ी से पैसे ले जा सकते हैं। दूसरा ये था कि यहाँ पर दिल्ली की पर्ची नहीं कट सकती, यहाँ पर बैरियर नहीं लग सकता, एडमिनिस्ट्रेशन ने भी बोल दिया कि बैरियर नहीं लगेगा, एडमिनिस्ट्रेशन ने बोल दिया पर्ची नहीं कटेगी, ठीक है, गाड़ियों से मंथली पैसे लिए जाएंगे। उस दिन जब हमारे यहाँ नीचे का जब शोर शराबा जिस दिन हुआ है, उस दिन एडमिनिस्ट्रेशन ने बोला कि ये नीचे फेंसिंग का काम करेंगे, जो कि इनका जो कि इन वर्क है जो रिपेयरिंग का, उसको आप, हमने कहा हमारा कोई लेना देना, रिपेयरिंग करें, रिपेयरिंग करके दें, डेली 2-4 गाड़ी को टायर फट जाते हैं, तो हमें वो खुशी है कि अगर यार नीचे का काम होता है, लेकिन ठेकेदार ने, एक ही ठेकेदार का मकसद था बैरियर लगाना, और ठेकेदार ने वहाँ नीचे कोई काम शुरू नहीं किया है, ना ही उसने काम शुरू किया, ना ही ठेकेदार ने हमारे पास आके ये हमको बोला कि भैया अभी हमारा जो टेंडर शुरू हुआ है आप पैसे कैसे दोगे,
देखिए पैसे तो रोड पे नहीं जाएंगे ना, पैसे लेने हैं, हम बैठे हैं ना ऑफिस में, हमारे पास आते हैं, भैया पैसा कैसे लेना है, कैसे देना है, चेक दोगे, कैश दोगे, एडवांस दोगे, बाद में दोगे, कोई एक बात होती थी जिसको कि उसने करने की कोशिश नहीं की, उसका एक ही जो फंडा लेकर आया था कि मुझे आज बैरियर लगाना है और जो भी गाड़ी आ रही है उससे पैसे लेने हैं, तो वो उसका फंडा जो फेल हुआ। तो मैं ये आपके माध्यम से कहना चाहता हूँ, ठेकेदार को भी अपील करना चाहता हूँ, भाई आओ बैठ के बात करते हैं, अगर कुछ इसमें लेने देने की जैसे बात होती है हम बैठ के बात करेंगे, लेकिन ये जो आपने ठेका लिया है फिरोजपुर से और पैसा भी वहाँ दे दिए, ये जो आप जिस जो आपका पार्टनर है, पैसा जब प्रॉफिट आ उसको दे देना, लेकिन वो जो हरकतें कर रहा है, हमारा बिजली काट रहा है, पानी काट रहा है और मुझे थ्रेट भी आ रही है। कल मैंने दो इसमें चैनल में मैंने इंटरव्यू दिया था, वो कटवा रहा है, वो कौन सी पावर उसमें, कैसे पता कि वो कटवाया, उन्होंने कटवाया? देखिए मैं छोटा बच्चा नहीं हूँ, बस ये मैं आपको बताऊँ। आपने इंटरव्यू दिया था दो चैनल से? मैंने दो चैनल में इंटरव्यू दिया, वो चल रहा है, आपका लाइव चला था वो? चला वो, हमने दिया उसमें कमेंट्स हुए हैं, फिर वो कैसे उसमें टेक्निकल फॉल्ट आता है, तो मैं भी सारा दिन देखता रहता हूँ, ये हमें भी आदत है, टेक्निकल फॉल्ट आ सकता है दो चैनल में थोड़ी, ठीक है, पहले एक में आ गया वो, दूसरा कोई एक घंटा चला है, फिर दूसरे में टेक्निकल फॉल्ट आ गया जी। तो अभी मैं आप उम्मीद रखूंगा कि आपके इसमें टेक्निकल फॉल्ट शायद ना आए। सर नहीं, इतनी उम्मीद रखिए कि हमने हमेशा जनता की आवाज़ को उठाया, भले कुछ भी हो हमारे चैनल से आपको डिलीट नहीं मिलेगा, ना ही हमारा चैनल किसी ब्यूरोक्रेट के, किसी मंत्री संतरी के, किसी के दबाव में काम नहीं करता है, जो सत्य होगा वही दिखाएंगे सर, और एक एक वर्ड आपका लाइव चल रहा है, जनता देख रही है, आप निश्चिंत रहिए हमारे चैनल से नहीं हटेगी आपकी। मैं देखिए ये मीडिया जो है ये हमारा चौथा स्तंभ है, कितना भरोसा है मीडिया पे कि एक बार जो खबर आती है लोग समझते हैं अब ये मसला जो है उजागर हो गया, अब इसका कोई हल आएगा, तो उस दिन भी हमने बात उठाई और मीडिया वाले आते हैं, जैसे अभी आप आए, आपका रिगार्ड करते हैं, आप हमसे क्लिप ले रहे हो, मेरे से बात कर रहे हो, मैं अपना सब कुछ बता रहा हूँ, नंगा हो रहा हूँ, तो फिर मेरे को नंगा करके इसको कोई कटवा दे या वो कहे टेक्निकल फॉल्ट आ गया, तो मैं समझता हूँ कि ये बंदा बहुत पावर रखता है, इसके घर में CBI छापा भी पड़ा था, इसके घर में डिपार्टमेंटल इसको इंक्वायरी में फंसा था ये, और उस डिपार्टमेंट इंक्वायरी में मेरे पास है वो, मैं जिस टाइम आएगा वो बताऊँगा सब कुछ, मेरे पास लेटर है वो, इसको यहाँ पर यहाँ से निकाला गया हुआ है कि आप जम्मू में इसकी ट्रांसफ़र नहीं होगी, पठानकोट के आगे ट्रांसफ़र होगी, फिर इसकी ट्रांसफ़र भी हुई, फिर ये यहाँ पर वापस आ गया, और यहाँ का जितना सेटअप है, बिजनेस सेटअप जितना है, उसमें सब में ये इसका कुछ ना कुछ शेयर होता है, कैसे ये हमें भी इसने अप्रोच की थी, हमें भी डायरेक्ट इनडायरेक्ट अप्रोच की कि ऑटो वाले, मेटाडोर वाले, टैक्सी वाले, बस वाले जो है आप बैकडोर से आ जाइए, मैं टेंडर नहीं होने दूँगा, ठीक है, हमने कहा हमने रेलवे के साथ ना धोखा किया है तो ना ही करेंगे, रेलवे को सीधे दरवाजे से पैसे देंगे, बैकडोर से हम नहीं आएंगे, तो जिसका नतीजा हम भुगत रहे हैं कि आज हमारी लाइट भी और पानी भी बंद है। ये कब से, शायद आपने कहा कि 11 तारीख से, शायद 11 तारीख से, अभी आपने देखे मेरे दोनों इनकी देखिए, एज देखिए और इनको बाईपास सर्जरी है, ये दो इधर समय सामने हैं, 10 लोग हैं मेरे ऐसे, और यात्रियों आ रहा है, यात्रियों के साथ छोटे छोटे बच्चे हैं, उनको बैठना होता है, कहाँ बैठेंगे जब पानी नहीं, यहाँ पर हवा नहीं, तो ये कितना बड़ा पाप है, और मैं इसके खिलाफ हमने कोर्ट में, जिस कोर्ट में मेरा केस चल रहा है, मैंने उसमें डॉक्यूमेंट दिए हैं कि सर मतलब एडिशनल बयान दे रहे हैं, कहीं दबाव वगैरह भी आपके ऊपर है या कोई डर भी है? डर क्यों नहीं है, जो इतनी बड़ी पावर रख रहा है, जो विजिलेंस से निकल जाता है, जो CBI से निकल जाता है, जो टेंडर अपने मर्जी से करवा लेता है, हर एक काम जो रेलवे उसकी मर्जी से चलता है, रेलवे के ऊपर एक भी बॉटल नीर जो रेल नीर था ना वो नहीं था कल तक, आज रात को कम से कम 5,000 पेटी नीर जो है रेलवे का पानी, मैं कहूँगा रेलवे को मेरा शुक्रिया अदा करना चाहिए कि देवेंद्र चौधरी के बोलने पर आज रेल नीर जो है वो प्लेटफार्म पर बिक रहा है, जो कभी देखा नहीं गया, वहाँ पर दूसरा पानी बिकता था, आज मेरी बदौलत ये रेल को, रेल के मंत्रालय को खुश होना चाहिए कि किसी बंदे ने आवाज़ उठाई और एक बंदे के चुंगल से जितना भी ऊपर दुकानदार है वो उससे निकले हैं और आज वहाँ पर रेल नीर जो है वो। देवेंद्र जी एक सवाल मेरा रहेगा, सवाल बड़े ही किसी को कड़वा भी लगा पर हमारा काम है बड़ी निष्पक्षता से सवाल करना, ट्रांसपोर्ट वेलफेयर एसोसिएशन
एक ऐसी ऑर्गेनाइजेशन है जिसे जनता पर जिसको जनता जनता जिस पर भरोसा करती है कि जम्मू के हित की अगर कोई भी बात होगी, या अगर ट्रांसपोर्ट वेलफेयर एसोसिएशन की बात करें, बार एसोसिएशन की बात करें, चैम्बर की बात करें, ये तीनों जब एक साथ इकट्ठी हो जाती हैं, अपने अधिकार के लिए लड़ाई लड़ती है, तो कहीं ना कहीं इंसाफ मिलता है। हम बात करते हैं चेयरमैन साहब की, जो ट्रांसपोर्ट वेलफेयर एसोसिएशन के चेयरमैन हैं। पिछले 11 से लेकर आज 16 होगी, एक दिन भी बिजली के बिना, पानी के बिना रहना बड़ा ही मुश्किल है, और इस गर्मी के मौसम में आप रह रहे हैं, तो उनकी तरफ से कोई भी आवाज़ क्यों नहीं उठी? अभी कल विजय चिप जी ने एक ई रिक्शा के खिलाफ जो एक प्रेस वार्ता की है, आपका तो मुद्दा उन्होंने रखा ही नहीं। अगर वो नहीं कर सकते थे, कम से कम विजय चिप जी तो कर सकते थे ना, तो आपके लिए क्यों नहीं वेलफेयर एसोसिएशन पूरी तरह से सामने खुलकर आ रहा? क्यों आप परेशान हैं, आप लोग सारे परेशान हैं? यहाँ पर उनकी तरफ से कोई भी मीडिया प्लेटफॉर्म पर कोई भी इस तरह का वीडियो नहीं आया, या ये नहीं लगा कि हाँ आपके लिए वो कुछ कर रहे हैं? देखिए, मैं ये बताना चाहता हूँ कि चेयरमैन साहब से मेरी फ़ोन पर बात होती रही, वो बाहर थे कहीं पर, वो थे नहीं यहाँ पे। और परसों हमारी यहाँ पर बैठ के मीटिंग हुई, सारे जनरल हमारी मीटिंग हुई, सब लोग बैठे थे, और उसमें रेजोल्यूशन भी हमारा पास हुआ है, लेकिन वो अभी हम डिस्क्लोज नहीं करेंगे क्या हमारा हुआ है। लेकिन क्योंकि यहाँ जो रेलवे के अंदर है, ऑल ट्रांसपोर्ट वेलफेयर एसोसिएशन, इसमें ऑटो, मेट्रो, बस और टैक्सी, इसको मैं डील कर रहा था, इसको मैं हेड कर रहा था, और मैंने उनको, मैंने हमारे जो मुद्दे डिपकॉम तक गए हैं, डीसी तक गए हैं, उनमें उन्होंने पूरा पार्टिसिपेट किया है, हर जगह उन्होंने हमें सपोर्ट की है। और इस जगह आके हमने उनको कहा कि अगर मुझे ज़रूरत पड़ेगी, मेरे को हर टाइम हमारे विजय सिंह चिप जी ने बोला कि बताइए कब हमको यहाँ पे आना है, सब लोग आते हैं, जो भी करना है। तो मुझे ये था कि मैं, हम लोग सक्षम हैं, हम अपना मसला हल करेंगे, मैंने चेयरमैन साहब को भी बोला, क्योंकि उनकी वो काफ़ी, मैंने एक उनका काफ़ी अच्छा रहता है, कहते हैं टेबल टॉक से बात होगी ताकि लोगों को सड़कों पर ना उतरना आए, तो हमेशा उनकी टेबल टॉक के राय, कई बार उनकी मांगे पूरी भी की गई है। तो लगता है जल्द ही आपकी इनकी माध्यम से जो टेबल टॉक जो है, आपकी आप भी बात ही उन टेबल टॉक तक पहुंचे, और जल्द इसका कोई ना कोई, देखिए मैंने उनको कल मेरी बात हुई थी, मैंने, उन्होंने कहा था कि आप बताइए कहां तक आप पहुंचे, मैंने कहा मैं ऑलमोस्ट हमारा कोर्ट में है, क्योंकि मैं उनको, वो बहुत से कामों में बिजी थे, मैंने अपने ट्रांसपोर्ट वेलफेयर एसोसिएशन में सही मायनों में उनको मैंने अपील ही नहीं की अभी तक, लेकिन मैं अभी आपने ये कहा है तो मैं आपके माध्यम से ही अपील कर दूंगा, आजो सरदार जी मदान चाहो असी फिर फंस गए, क्योंकि बिल्कुल सही में कह रही हूँ, कितना अगर चैरिटी बिगन्स एट द होम, अगर वही आपका साथ नहीं देंगे तो बाहर वाला कौन सा साथ देगा? ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं है, वो मेरा खुलकर आइए ना, फिर पूरा साथ दे रहे हैं, खुलकर मेरा साथ दे रहे हैं, लेकिन वो थे कहीं बाहर थे, और मैं, मेरा फर्ज बनता था कि मैं उनमें सीनियर हूँ, एज में मैं सीनियर हूँ उनसे, और मैं 3 साल मैंने ऑल जे एंड के ट्रांसपोर्ट वेलफेयर एसोसिएशन की प्रेसिडेंटशिप भी की है, तो वो काफ़ी हद तक कहते हैं कि आप से मुझे बहुत सी गाइडलाइन मिलती है, तो मैंने समझा वो कहेंगे यार ये हमारा जो मेन बड़ा पिलर है ये फेलियर है, तो मैं बताना चाहता था कि हम में अभी दम है, चाहे हम 65 साल के हैं, हम निबेड़ लेंगे। तो आज मैं कहता हूँ कि नहीं भैया आप ही, हाँ आएंगे हमारे साथ, मेरी रिक्वेस्ट है उनसे भी, वो भी हमारे मसले में आएंगे। ये थे हमारे साथ दविंदर जी, जिन्होंने पूरी तरह से बात बताई किस तरह का माहौल रेलवे स्टेशन के अंदर चल रहा है, यानी तानाशाही, डिक्टेटरशिप जिसे कहते हैं, लोकतंत्र देश में आज भी डिक्टेटरशिप, यानी आज हम भी अपने आप को गुलाम महसूस कर रहे हैं, जिस तरह से बड़े अफसोस और शर्म की बात है, एक डिपार्टमेंट जो टैक्सी ऑपरेटर यूनियन के ऑफिस में बिजली बंद कर दी गई, पानी बंद कर दिया गया, यानी कहीं कोई पूछताछ नहीं है, और साथ ही साथ मीडिया जिसे चौथा स्तंभ कहा जाता है, अगर मीडिया पर भी ऐसे लोग दबाव करने लगे तो जनता किस पर विश्वास करेगी? नेताओं पर तो पहले ही विश्वास उनका डोल रहा है, तो अब मीडिया से भी विश्वास डोलता नजर आ रहा है। कहीं ना कहीं हमें अपने दायित्व को समझना होगा कि जो जनता हम पर विश्वास करती है, एटलीस्ट हम लोग उनकी, जनता के उस विश्वास पर तो खरा उतरे। हम क्या कर सकते हैं, जनता की बात को प्रशासन और सरकार तक ला सकते हैं, तो उसमें तो कम से कम हमें ईमानदारी बरतनी चाहिए, चाहे कोई भी हो, जहाँ सच्चाई हुई है तो बिठ जाइए, यानी जनता की आवाज़ को सामने रख, ताकि आम जनता पर, आम जनता का जिस तरह से मीडिया पर से विश्वास हटता जा रहा है, वो ऐसा ना हो, क्योंकि एक मीडिया ही है जो जनता की आवाज़ बड़ी बेबाकी से रखता है, जो सरकार तक पहुंचाता है एक मीडिएटर के माध्यम से, एक पुल के माध्यम से। अगर हम लोग ही ऐसा करेंगे, वीडियोस डिलीट होती रहेंगी, कई मजबूरियां भी रहती होंगी हम मानते हैं, पर जहां पर सत्य हो वहां कैसी मजबूरी। आपने कमेंट, अपने सुझाव हमें ज़रूर दीजिए, और हम अपने माध्यम से भी ट्रांसपोर्ट वेलफेयर एसोसिएशन के प्रधान जो है अजीत भैया ही हम उन्हें कहेंगे, उनसे रिक्वेस्ट करते हैं कि आपके अपने परिवार के लोग आज परेशानी में हैं, बिजली के बिना, पानी के बिना है, आप अपना टेबल यहाँ पर भी लेकर आइए, और टेबल टॉक की जो चमत्कार दिखाइए यहाँ पर भी। जुड़े रहिए ऐसे हमारे साथ अगले अपडेट के लिए। जय हिंद, जय भारत।